डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऋण क्षेत्राधिकार की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग करने वाली एक याचिका में अपने ऋण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ऋण क्षेत्राधिकार दरअसल होता क्या है। रिट एक न्यायालय का आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को दिशा निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों यानी कि हाई कोर्ट्स को रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करते हैं। ये अनुच्छेद न्यायालयों को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देते हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, निषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार प्रच्छय यानी को वारंटो और उत्प्रेषण यानी सर्योररी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले 1997 में कहा था कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का ऋण क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, जिसे निरस्त या समाप्त नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऋण क्षेत्राधिकार के बीच क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऋण क्षेत्राधिकार के बीच अंतर की बात करें तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का ऋण क्षेत्राधिकार विशिष्ट नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऋण क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। बता दें कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प होता है। हालांकि हाई कोर्ट का ऋण क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। यह उन मामलों में लागू नहीं होता जहां किसी सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट केवल उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति, सरकार या प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। आपको बता दें, अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। वहीं अनुच्छेद 226 विवेकाधीन है, जिससे हाई कोर्ट रिट जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। चलिए, अब वक्त हो चला है इसके टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, न्यायालयों के ऋण क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। कथन दो है, संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।